और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र जनहित के मुद्दों की गूंज आज सुनाई देगी। विधानसभा सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। सदन में आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। बाड़ी में वन विभाग की अनियमितताओं को लेकर प्रस्ताव आएगा। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर प्रस्ताव रखेंगे। विधायक कैलाश वर्मा प्रस्ताव रखेंगे। आमेर में जैन मंदिर में मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रस्ताव। अवैध कब्जे से मुक्त कराने को लेकर प्रस्ताव। तो देखिए सदन के पटल पर आज लोकायुक्त का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी में राज्यपाल को सौंपा था। लोकायुक्त की ओर से 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने के बाद सार्वजनिक होगी वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। देखिए जनवरी में राज्यपाल को सौंपा था लोकायुक्त की ओर से 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की अगर बात करें तो देखिए विधानसभा का जो सत्र है कैसे खास रहने वाला है, जनहित के मुद्दों की गूंज भी यहाँ पर सुनाई देगी और क्या कुछ खास विधानसभा में आज? देखिए विधानसभा क्योंकि 2 तारीख तक अभी तक चलने का है और आज भी सदन प्रश्नकाल से शुरू हुआ और उसके बाद जनहित के कई मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएंगे। खासतौर से लोकायुक्त की रिपोर्ट आज जो भी वार्षिक रिपोर्ट आती है वो आज सदन के पटल पर सामने होगी। इसके साथ ही कई मंत्रीगण अधिसूचनाएं रखेंगे। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बनी हुई है उसका वार्षिक प्रतिवेदन यूटीएच मंत्री जावर सिंह खर्रार सदन में रखेंगे। इसी तरह अल्पसंख्यक मामला और वक्फ विभाग की अधिसूचनाएं हैं वो सामने रखेंगे सदन के पटल पर। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुजारा। इसी तरह कई विधायकों ने याचिकाओं का उपस्थापन किया है, याचिकाएं लगाई है अपने अपने क्षेत्र की जो ज्वलंत मुद्दे उनको लेकर, जबकि सराम चौधरी हो चाहे गुरवीर सिंह हो रिंका चौधरी हो इनकी याचिकाओं को आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन के पटल पर सामने आएंगे आज, इनका जवाब मंत्रीगण देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज ढाई कार्य जो हैं अब वो महत्वपूर्ण रहेंगे और मुझे लगता है जिस तरह कल सदन में हंगामा दिखा था शंकर मेघवाल हत्याकांड जो हुआ है आदिवासी इलाके में सलमपुर में, कांग्रेस के तीवर कल तीखे थे और इसके बाद आपको ध्यान ही हुआ कल दोपहर बाद हंगामा बढ़ा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया पूरे दिन तक के लिए। जब तक सदन की कार्रवाई चली सदन की कार्रवाई में कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए। तो आज भी मुझे लगता है शंकर मेघवाल हत्याकांड को लेकर गूंज सुनाई देगी क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे पर सरकार मुआवजा घोषित करे, आर्थिक मुआवजा पीड़ित परिवार को दे। इसके साथ ही पीड़ित परिवार में किसी व्यक्ति को आश्रित को एक संविधान पर नौकरी दे और इस मुद्दे पर कल जबरदस्त हंगामा सदन में देखने को मिला था। सरकार की ओर से जवाब भी आया लेकिन विपक्ष उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरे मुद्दे की गूंज आज फिर से सदन में सुनाई दे सकती है और सदन हंगामेदार हो सकता है। जी बिल्कुल योगेश जी, देखिए अगर बात करें आज सदन की तो कई अधिसूचना है वो रखी जाएगी, चाहे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री की बात करें वो भी अधिसूचना रखेंगे, अल्पसंख्यक वक्फ मामला विभाग की भी अधिसूचना, और क्या क्या कुछ अधिसूचना आज रखी जाएंगी? जैसे आज दो बड़े मुद्दे आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाए जा रहे हैं जिनमें एक तो है कैलाश वर्मा जयपुर से ही विधायक है, आमेर में जैन मंदिर पर कब्जा अतिक्रमण मंदिर माफी की भूमि को लेकर वो आज सदन में उठाया जाएगा मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कैलाश्वरम उठाएंगे। इसी तरह बाड़ी में वन विभाग की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण को हटाने के मुद्दे को लेकर जसवंत सिंह गुर्जर ने भी आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, यही भी मुद्दा होगा। तो खासतौर से इन दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब सामने आएंगे। पर्ची का पता आज जब सदन
चालू होता है तब पता लगता है पर्ची पर आज कौन कौन सदस्य उनका नाम खुला है वो बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से शक्ति दिखाई थी शांति धारीवाल प्रकरण को लेकर और जो अपशब्द शांति धारीवाल के मुंह से निकले थे और उसके बाद शांति धारीवाल ने सदन में माफी भी मांगी, लेकिन शांति धारीवाल को आज और कल इन दोनों दिनों के लिए सदन में कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगाने की कल जो व्यवस्था दी थी, लेकिन उसके साथ ही जो स्पीकर ने कल बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, देवनानी बहुत ही कहा जा सकता है कड़े शब्दों में उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि सदन नियमों परंपराओं मर्यादाओं से चलता है, कोई भी सदस्य अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा और सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालेगा अब तो वो आसन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी गंभीर एक्शन ऐसे सदस्यों के खिलाफ लेने को मजबूर होना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि कल सदन के सदस्यों को वासुदेव देवनानी ने जो पाठ पढ़ाया है तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि शंकर मेघवाल वाला जो प्रकरण है उसको लेकर कल जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी तब तक कांग्रेस के तेवर तीखे थे, आज भी कांग्रेस विधायक दल चाहेगा कि सदन में सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर जवाब सामने आए। फिलहाल कहा जा सकता है पूरे प्रकरण को लेकर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि दलित व्यक्ति की हत्या और उसके बाद ये वो इलाका भी है जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, 84 का इलाका वागड़ में ही आता है। इसके साथ ही क्योंकि इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस उदयपुर के घटनाक्रम से जोड़कर देख रही है और ये कह रही है कि जिस तरह गहलोत सरकार ने उदयपुर घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार को जो आर्थिक मदद की थी वैसी ही मदद शंकर मेघवाल मामले में बजरलाल सरकार को करनी चाहिए। तो मुझे लगता है आज भी हमें हंगामा दिख सकता है। बिल्कुल आज भी हंगामे के असर पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से आपने जानकारी साझा करी। तो देखिए आज बहुत कुछ खास रहने वाला है और आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी अधिसूचनाएं आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो देखिए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा भी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे और इसके अलावा असम रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी। तो बेहद खास आज सदन की कार्यवाही रहने वाली है और कल देखिए हमने देखा था कि किस तरह से स्पीकर देवनानी ने सख्ती भी यहाँ पर दिखाई थी धारीवाल को लेकर और आपको जानकारी दी। आज भी सदन के अंदर जनहित के मुद्दों की गूंज यहां पर सुनाई देगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। आज सदन की पटल पर कई अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा अधिसूचना रखेंगे। अल्पसंख्यक वक्फ मामलात विभाग की अधिसूचना सदन की पटल पर रखेंगे। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा वार्षिक प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखेंगे। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट रखेंगे। इसके अलावा आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है, ऐसे भी पूरे पूरे आसार यहां पर नजर आते हैं।